नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईटीआई में एडमिशन के लिए जल्द करें रजिस्ट्रेशन। कई जिलों में मखाना की खेती का ग्राफ बढ़ा। स्मार्ट बिजली मीटर से कर सकते हैं कमाई, जानिए कैसे। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग। अब शहरों में नहीं मिलेगा ट्रैफिक जाम। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। आईटीआई में एडमिशन के लिए जल्द करें रजिस्ट्रेशन। बिहार में तकनीकी पढ़ाई करने की चाह रखने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। रजिस्ट्रेशन को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बिहार में आईटीआई में एडमिशन के लिए 4 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होंगे। पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट 9 अगस्त तक जारी होगा। वहीं दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 25 अगस्त तक होगा। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नामांकन 27 अगस्त तक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2024 के काउंसलिंग की जानकारी दी है। सरकारी स्कूलों में होगी सबमर्सिबल बोरिंग की जांच। सभी सरकारी विद्यालयों में सबमर्सिबल बोरिंग की होगी जांच। जांच की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को मिली है। शिक्षा विभाग ने PHED से 15 दिनों में यह रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके लिए खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने PHED को पत्र भेजा है। विधानमंडल मानसून सत्र के दौरान सदन में यह सवाल उठाया गया था। स्कूलों में चापाकल के बदले सबमर्सिबल पंप लगाने का फैसला KK पाठक के मौजूदगी में ली गई थी। इसके लिए स्कूलों में 3-3 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें शौचालय भी दुरुस्त कराने को कहा गया था। कई जिलों में मखाना की खेती का ग्राफ बढ़ा। मखाना की खेती का क्षेत्र तेजी से विस्तार किया है। कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जैसे इन राज्यों में मखाना की खेती में तेजी आई है। पिछले साल की 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती हुई। वहीं इन राज्यों में 694 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार की उपलब्धि देखने को मिली है। वहीं इस दौरान बीज का मूल्य 180 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से बढ़ाकर 4050 रुपए किया गया है। सावन का दूसरा सोमवार आज। भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। सावन महीने का आज दूसरा सोमवारी है। दूसरे सोमवार पर भक्त शिव भक्ति में मग्न दिखे। भक्त हाथों में जल लेकर शिव दरबार पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर आज मंदिरों में खास साज सजावट की गई है। इतना ही नहीं, भोले बाबा पर जल के साथ भांग धतूरे शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। आज सभी मंदिरों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व है। आज के दिन भोले बाबा और मां पार्वती की पूजा करने से दुख दरिद्रता दूर भागती है। डिजिटल बैंकिंग का बढ़ा क्रेज। बिहार में डिजिटल बैंकिंग का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूरे 3 साल में 200% बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिहार की पूरी आबादी 12.92 करोड़ है। वहीं डेटा के हिसाब से देखा जाए तो पूरे आबादी का 12.53% मोबाइल बैंकिंग और 11.84% इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लेन देन के लिए इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 साल में यहां आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। यह आंकड़ा राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी SLBC की तरफ से जारी किया गया है। 2021 के डेटा के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग उपभोक्ताओं की संख्या में 162% और वही इंटरनेट बैंकिंग में यह संख्या 110% से आगे बढ़ी है। बिहार के डॉक्टर लगा रहे हैं फर्जी हाजिरी। बिहार के सरकारी डॉक्टरों के करतूतों का एक बार फिर से हुआ भंडाफोड़। लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं डॉक्टर। 23 दिन के कार्य में डॉक्टर कर रहे हैं 26 दिनों से 28 दिनों की ड्यूटी। बता दें आपको, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की जांच में यह खुलासा हुआ है। कॉलेज के डॉक्टरों और शिक्षकों के द्वारा फर्जी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र लिखा है। वहीं सभी को फोटो सहित सूची अपडेट करने का जारी हुआ निर्देश।
सीएम नीतीश कुमार को फिर लगा झटका, आरक्षण पर लगी रोक। बिहार में 65% आरक्षण के सरकार के फैसले पर लगी रोक को एक बार फिर झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसकी सुनवाई सितंबर माह में होगी। बिहार सरकार के आरक्षण के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की नौकरियों में 68% लोगों को आरक्षण मिलता है। स्मार्ट बिजली मीटर से कर सकते हैं कमाई, जानिए कैसे। लगातार स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायत देखने को मिल रही है, लेकिन इस घड़ी में एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आप अपने स्मार्ट बिजली मीटर से कमाई भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजली बिल ही नहीं देना पड़ेगा बल्कि पैसे भी कमा सकते हैं। बिहार में बिजली सप्लाई कंपनी NBPDCL और SBPDCL ने राज्य के सभी जिलों में लोगों को स्मार्ट मीटर की सेवा प्रदान की है। अगर आप 3 महीने तक लगातार 2000 से अधिक बैलेंस बिजली मीटर में रखते हैं तो उपभोक्ताओं को ब्याज मिलेगा। कार्य शुरू हो गया है, हालांकि यह कार्य अप्रैल में शुरू हुई थी। अब जाकर 3 महीने यानी जुलाई में बिजली कंपनी ने अब तक साउथ बिहार में 1142 ग्रामीण उपभोक्ताओं को ब्याज के रूप में 2 लाख राशि दी है। साथ ही शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जल्द इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें, ब्याज की राशि उपभोक्ताओं को मीटर में बैलेंस के रूप में मिलता है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की बिजली बैलेंस माइनस में ना हो और साथ ही उन्हें फायदा मिले। अब शहरों में नहीं मिलेंगे ट्रैफिक जाम। आए दिन सड़कों पर कई घंटे जाम की समस्या आपको झेलनी पड़ती होगी, लेकिन अब जाम से सभी को मिलेगा निजात। इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार के 5 महकमे मिलकर संभालेंगे। इसमें यातायात के अलावा परिवहन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभाग को कार्य पूरा करना होगा। इस मामले को लेकर बिहार गृह विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। ट्रैफिक एडीजी और अन्य चारों विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सभी विभाग इस गंभीर समस्या पर मंथन करेंगे और ठोस कदम उठाएंगे। पुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग, भोजपुरी समाज के लोगों के लिए अच्छी खबर। भोजपुरी जगत के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। सांसद रवि किशन ने भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया है, ताकि भोजपुरी भाषा को आधिकारिक भाषा का विशेष दर्जा मिल सके। इसी के तहत शुक्रवार को संशोधन विधेयक 2024 पेश किए। वहीं रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य और सुंदर भाषा है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। इस भाषा को कई लोग बोलते हैं, यह हमारी मातृभाषा है। फर्जी आईएएस लेडी बनकर शादी के लिए लड़के को अपने जाल में फंसाया, राजधानी पटना में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। फेक आईएएस लेडी बन लड़के को ठगा। बेऊर थाना क्षेत्र में महिला द्वारा फेक आईएएस बन शादी का झांसा देकर ठगी का प्रयास किया जा रहा था। बाद में फर्जी आईएएस दुल्हन की हरकत देख दूल्हे को शक हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। जांच में महिला फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बेऊर थाना क्षेत्र के रवि रंजन ने अपने साथ हुई घटना का खुलासा किया। वहीं पुलिस को जांच में महिला के पास से एम्स में डॉक्टर का फर्जी आईडी और पेपर कटिंग मिला है। पटना जू में बाघों की संख्या बढ़ी, बिहार में बाघों की स्थिति हुई बेहतर। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को खास तरह से बाघों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। पटना जू में बाघों का संरक्षण काफी बेहतर तरीके से किया गया, जिसकी वजह से 2 साल में संख्या 6 से बढ़कर 9 हो गई है। 2 बाघ राजगीर भेजे गए और 7 बाघ पटना जू में मौजूद है। इन बाघों में 3 नर और 4 मादा है। वहीं वाल्मीकि नगर स्थित टाइगर रिजर्व में 2 सालों में बाघों की संख्या 60 पर पहुंच गई है। पटना जू में सफेद बाघ दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। पटना जू निदेशक सत्यजीत कुमार के निर्देश अनुसार वन प्राणियों की देखभाल में यहाँ के अधिकारी तत्पर है। पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान में बाघों का इतिहास लगभग 5 दशक पुराना है। पहली बार बाघ दिल्ली से 1975 में लाया गया था।
पटना से दिल्ली शुरू होगी 16 कोचों वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन ट्रेन जल्द होगा शुरू। यह पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन होगी। बेंगलुरु स्थित मैन्युफैक्चरर कंपनी BEML ने इसके निर्माण में तेजी लाई है। ट्रेनों के रेक बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे रेगुलर यात्रियों को काफी फायदा पहुंचेगा। रेलवे बोर्ड ने बताया कि सितंबर से वंदे भारत की स्लीपर वर्जन 9 रेक बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं पटना से दिल्ली मार्ग पर भी 16 कोचों वाला स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने को लेकर मंथन जारी है। इस एक्सप्रेस की स्पीड 130 किलोमीटर की हो गई है। इसमें 11 3AC, 4 2nd AC और 1 1st AC के कोच होंगे। विजय कुमार सिन्हा का प्लान पीएम मोदी को आया पसंद। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बिहार में बालू के अवैध खनन को रोकने का प्लान देश भर में लागू हो सकता है। विजय सिन्हा के इस प्लान से पीएम मोदी काफी खुश हुए। जानकारी के लिए बता दें आपको, आज भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के इस कार्य को बल मिला, साथ ही तारीफ भी मिली। वहीं पीएम मोदी ने बिहार में बालू खनन पर रोक लगाने के इस कार्य के नवाचार की प्रशंसा की है। इंग्लैंड टीम की हुई जीत। एजबेस्टन के मैदान में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड ने जबरदस्त पारी खेली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट से जीत हासिल करते हुए 3-0 से हराया इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम इस सीरीज से पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-2025 की लिस्ट में सबसे आखिरी में था, लेकिन आज सीरीज खत्म होने के बाद 6th स्थान पर पहुंच गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुतों लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर, अरुण राम, विकास सिंह, सुशील कुमार, शिवराज, संजीव कुमार, विनोद शाह, मनोज कुमार, अजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करें। धन्यवाद।